हो चुकी है। और कल जो है, कल का वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। ये वीडियो आप जब देखोगे उससे पहले आपको कल का वीडियो मिल जाएगा। कोशिश करूँगी कि आज ही आप लोगों को वो वीडियो मैं पोस्ट कर सकूँ, क्योंकि कल ना रात के 12 बजे जो है दरबार लगा हुआ था। और 12 बजे का दरबार महाराज जी का लगने के बाद वहाँ से हम करीब 1-1.5 बजे तक वो चला, और हम लोग वहाँ गए थे 10 बजे के। 10 बजे के गए हुए, 12 बजे दरबार लगा, 1-1.5 बजे तक वो चला, और वापस घर पे आते थे हमको 2 बज गए थे, मतलब सोते सोते 2:30-3 बज गए थे। और सभी की तबीयत जो है घर में ख़राब हो गई, क्योंकि रात की ट्रैवलिंग और उसके बाद वेदर चेंज हो रहा है, दिवाली के काम ये सब में ना गला बैठा हुआ, सर्दी हुई है, तो इसके वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा नरम गरम है। और रात में लेट सो के वापस सुबह जल्दी उठे, अभी जो है 10 बज रहे हैं, अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, क्योंकि आज लगने वाला है भव्य दरबार। तो आप लोग जो वीडियोस में देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो, इंस्टाग्राम पर देखते हो, बागेश्वर महाराज जो पर्ची पढ़ते हैं, उनका जो दरबार लगता है वो जो है आज है स्पेशली। बाकी 3 दिन तो कथा है, आज भी सुबह पहले उनका दरबार लगने वाला है, फिर दोपहर से उनका कथा है उनकी। तो इस तरह से कुछ प्लान है। आज मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ली हुई है, तो ऑफिस की छुट्टी 2 चीज़ों की वजह से हो गई, एक तो दरबार में जाना था और दूसरा मेरी तबीयत ख़राब है, तो उससे थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। तो अभी चलो यहाँ से पहले हमको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा तो जल्दी जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक में अगर गाड़ी अटक गई तो बहुत टाइम लगेगा वहाँ जाने के लिए। वैसे तो जहाँ दरबार लगा है वो जगह हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरी सिटी में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो चुकी है, इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ लग चुकी है कि आने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। और यहाँ पर जैसे ही हम इस जगह पर पहुँचते हैं ना, तुरंत लोग जो है वो टीका लेकर आते हैं, और सबसे पहले आपको चंदन का, हल्दी का, कुमकुम का टीका लगाते हैं, राम सीता श्री राम नाम के छापे जो है वो आपके मस्तक पर लगाते हैं। और हम रिक्शा से निकल ही रहे थे, उतर ही रहे थे कि इतने में लोग आ गए थे वहाँ पे, और ऐसे हर जगह पे है। और ये देखो हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे अयोध्या नगरी मैदान में, यहाँ पे लगा है बागेश्वर बाबा महाराज जी का 3 दिन का हनुमान कथा का जो भी उनका आयोजन किया है वो इसी जगह पे किया गया है। और आज जो है कथा के साथ साथ सुबह दरबार लगने वाला है, तो मैं अभी फ़िलहाल सुबह दरबार के टाइम पे आई हूँ। कथा जो है वो कल भी चली थी और आज भी दरबार के बाद कथा होगी, और फिर कल जो है अंतिम दिन होगा, तीसरे दिन में कथा ख़त्म होके ये कथा का समापन होने वाला है। बट क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तो ऑफिस के इसमें टाइम नहीं दे सकती कि मैं कथा सुन सकूँ, लेकिन हाँ आज के दिन जो है मैंने छुट्टी निकाली हुई है ऑफिस से, दरबार में आना था मुझे। और मेरे मम्मी पापा जो है वो तीनों भी दिन जो है बाबा जी की कथा सुनने के लिए, हनुमान जी की कथा सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। उनके साथ साथ पीयूष भी, क्योंकि पीयूष की दिवाली की छुट्टियाँ चालू है, तो पीयूष ने भी जो है अब तीनों दिन दरबार में हनुमान जी की कथा जो है, बाबा की जो कथा होती है वो सुनी है। मैं कथा नहीं सुन पाई, लेकिन हाँ मैंने दरबार जो है वो दरबार ज़रूर अटेंड किया है। साथ ही साथ जो उनके निवास स्थान पर 2 बार दरबार लगे हैं, और जिस दिन महाराज जी औरंगाबाद में आए थे, छत्रपति संभाजी नगर में आए थे, उस दिन भी उनके दर्शन किए। तो आई एम वेरी लकी, मतलब रात के टाइम पे, सुबह के वक्त तो जो कुछ भी हो रहा है वो मैं इतना अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन रात के टाइम पे जब भी दरबार लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसको मैं पूरी तरह से अटेंड कर पा रही हूँ। और जो महाराज को मैं मोबाइल पर, यूट्यूब पर देखती थी, आज वो हमारे सिटी में आए हैं, और जितने दिन भी आए हैं उसमें मैक्सिमम हर दिन ऑलमोस्ट मैंने उनके साक्षात दर्शन किए हैं, कहीं उनके निवास स्थान पर जाके तो कहीं उनके इस दरबार में आके उनके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। तो आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड। और आप लोगों को मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियोस के थ्रू उनके दर्शन कराने के लिए। आप में से किन किन के शहरों में इनके दरबार, ऐसे तो बहुत जगह लगे हैं, तो आप में से किन के शहरों में इनके दरबार लगे हैं, आप लोगों में से कितने लोग इनको, इनके वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। Three hours later. Thank you.
तो यहाँ पर जो है महाराज जी आ गए हैं, उनका स्वागत हो चुका है। और साथ ही साथ वो आते ही सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करते हैं, और उसके बाद आज क्योंकि दरबार लगने वाला है तो वो यहाँ बैठे हैं। और उसके बाद दरबार के जो नियम होते हैं, पर्ची उठाने के जो नियम होते हैं, वो सभी नियम वगैरह यहाँ बताए जा रहे हैं। 2000 years later तो करीब 2 से 3 घंटों तक बाबा जी का दरबार चला, और यहाँ पर उन्होंने कुल 16 अर्जियों को स्वीकार किया। 16 लोगों की अर्जियाँ स्वीकार हुई, और बहुत ही एकदम विशाल भव्य दिव्य ये दरबार था। दरबार तो खत्म हो गया, और दरबार खत्म होने के बाद जो है अब कथा शुरू होने वाली थी। करीब आधे घंटे तक जो है बीच में ब्रेक दिया गया था, जिसमें महाराज जी जो है वो भी चाय पानी करने के लिए गए थे, और उन्होंने हम सबको बीच में ब्रेक मिला था। वैसे अभी बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से जा रहे थे दरबार के बाद। हमने भी सोचा था कि पहले दरबार के बाद हम कथा करेंगे, पर बाहर निकलती मुझे जो है चक्कर आ गए और मैं यहाँ पर गिर गई। गिरी तो नहीं, बट चक्कर मुझे बहुत आ रहे थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए थे। लेकिन वापस फिर आए यहाँ पर मंडप में, और अंदर जो है थोड़ा सा मैं लेट गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप, उसमें डस्ट और धूल मिट्टी, इन सब के वजह से मुझे जो है चक्कर आ गए। और ये देखो चक्कर चक्कर में करीब 8 बॉटल पानी हम लोगों ने यहाँ पे पी लिया, क्योंकि मम्मी को भी चक्कर आ रहे थे, और बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसके चक्कर में चक्कर आ गए हम लोगों को। और यहाँ पे अभी हम सब लोग थोड़ा बैठे हैं छाँव में, क्योंकि फिर हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बैठते हैं शांति से छाँव में, और फिर निकलते हैं घर के लिए। कथा तो आज हमसे सुनना हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, रात में भी बहुत लेट हो गया था, और उसके बाद वापस से सुबह जल्दी यहाँ पर आना, और इतनी देर तक धूप में बैठने में हम बहुत ज़्यादा, और तबीयत पहले से ही हम सबकी जो तबीयत है वो नरम गरम है। कुछ दिनों बाद दिवाली आने ही वाली है, जब तक ये वीडियो आ रहा है तब तक दिवाली शुरू भी हो जाएगी, मैं जानती हूँ। तो बस यही है, इसीलिए अब हम लोग बाहर निकल गए। खासकर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, तो हम लोग बाहर निकल गए। और बाहर से ही आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अभी भी मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे जो है ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है पूरा अयोध्या नगरी का मैदान। तो यहाँ पे लगा है बागेश्वर महाराज जी का 3 दिन का प्रवचन, 3 दिन की कथा, जो दरबार उनके लगे वो इस जगह लगे। और रास्ते में भी सब तरफ जो है सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी के ही फोटोज़ है, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के ही फोटोज़ है, उनके ही, आप हर जगह कोई भी रास्ते में जो आपको सिर्फ उनके ही फ़ोटो दिखेंगे। तो गाइज़ इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो में, बाय बाय।